नागपुर से, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बोरवेल में एक मात्र 6 साल का मासूम गिर गया है। खेलते समय बोरवेल में यह बच्चा गिरा है और करीब 40 फीट गहरे बोरवेल में बच्चा गिरा हुआ है। आपको बता दें कि बोरवेल में बच्चा गिरने से हड़कंप मच गया है। बोरवेल से बच्चे के रोने की लगातार आवाज आ रही है। नगर पालिका के सरकारी ट्यूबवेल का पुराना खराब बोरवेल है। बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल लगातार किया जा रहा है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैमरे के जरिए वहां पर पहले कैमरा पहुंचाया गया कि जिससे कि पता चल सके कि आखिर बच्चे की हालत कैसी है। उसके लिए पहले वहां नीचे कैमरा पहुंचाया गया और उसके बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है। हापुड़ देहात क्षेत्र के फूलगढ़ी की ये पूरी घटना आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता मोहम्मद ताहिर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। ताहिर, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? हापुड़ के थाना देहात इलाका है, यहाँ फूलगढ़ी है, यहाँ एक बोरवेल है जिसमें एक मासूम 6 साल का मासूम है, वो खेलते हुए गिर गया। लगातार 5 घंटे उसको हो गए हैं और लगातार अधिकारी वे यहाँ सभी मौजूद हैं, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और बच्चे का रेस्क्यू कर रही है। बात की जाए सबसे पहले बच्चे को जो आवाज आ रही थी, कैमरा डाला गया, कैमरा डालने के बाद सबसे पहले ऑक्सीजन जो है बच्चे को भेजा गया कि कहीं ना कहीं उसकी जो है सांस में कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद एनडीआरएफ टीम आई है, लगातार जो पीछे जो है वो जेसीबी है वो लगातार तोड़ रही है वहां से। हाँ, हमारे साथ लड़के के जो है दादा भी यहाँ मौजूद है, हम बात करेंगे उनसे भी। जी बिल्कुल। करीब जी किस तरीके से घटना हुई, कब आपको पता चला है? हमें तो 12:30 बजे पता लगा, घटना तो लगभग 10:30-11 के बीच की है। वो आया था इधर खेलता खेलता चला गया। प्रशासन का कैसा इंतजाम है, क्या प्रशासन क्या कर? प्रशासन का बहुत सहयोग है जी, प्रशासन ने बहुत मदद करी है जी। एनडीआरएफ टीम को लाई है और एनडीआरएफ टीम कोशिश कर रही है निकालने, बहुत सहयोग प्रशासन का। जो मासूम है, मासूम के दादा का भी साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन लगातार लगा हुआ, आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन के अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं। ये जो सामने आप ये देख रहे हैं, यही वो जगह है, यही बोरवेल है, यही पर जो है वो बच्चा बोरवेल में गिरा है और लगातार 5 घंटे से बच्चा यही है और डीएम एसपी सहित सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और निगरानी किए हुए हैं, बच्चे की देखरेख कर रहे हैं और बताया ये भी जा रहा है कि बच्चे ने 2 बार जो है दूध भी पिया है जी। फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त वहां पर किया जा रहा है, जो प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद है उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, आखिर कब तक बच्चे को निकाला जाएगा? जी आपको बताते हैं, तकरीबन 40 फीट गहरा एक गड्ढा है और प्रशासन घटना के बाद यही मौके पर पहुंच गया था और अधिकारी अभी साफ तौर पर तो नहीं कह सकते, बाकी रेस्क्यू करें और जल्द से जल्द बच्चे को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। अभी क्या कुछ कंडीशन वहां पर बनी हुई है, बच्चे की तबीयत कैसी है, उसके स्वास्थ्य के बारे में कुछ अपडेट्स मिल पाया है? जी सीएमओ यहाँ मौजूद है, सीएमओ ने सबसे पहले आते के साथ ही जो बच्चे को जो है ऑक्सीजन पहुंचाया गया, उसके अलावा कैमरे से देखा गया, उसके अलावा जो है बच्चे को 2 बार दूध भी पिलाया गया है। हालांकि जो बताया जा रहा है बच्चा कुछ थोड़ा मंदबुद्धि है जिसके चलते वो बोलने में व सुनने में भी असमर्थ है, हालांकि बच्चे के रोने की आवाज लगातार आ रही है। फिलहाल परिवार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया? परिवार के लोग प्रशासन का धन्यवाद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रशासन पूरी जान लगाए हुए है, सारे अधिकारी, पुलिस फोर्स, एनडीआरएफ की टीम, एसपी, डीएम सभी यहां मौके पर मौजूद हैं। किस तरह से बच्चे को निकालने की कोशिश इस वक्त वहां पर की जा रही है, हम चाहेंगे एक बार तस्वीरें हमारे दर्शकों तक आप दिखाएं। क्योंकि वहां जाना तो मुमकिन नहीं है, जो प्रशासन जो एनडीआरएफ की टीम है क्योंकि वो उसके चारों तरफ घिरे हुए हैं, जगह कम है, अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और जो जो है कैमरामैन वगैरह है उसको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। वायर वगैरह यहाँ डीएम ने पानी की बोतलें वगैरह रखी हुई है, डीएम साहब यहाँ मौजूद हैं और डीएम साहब की निगरानी में ही यहाँ पे बच्चे को निकालने का जो है वो काम किया जा रहा है जी। और आगे थोड़ा आगे पीछे करो तो आखिर ये घटना कब की है और क्या उस वक्त जब ये बच्चा बोरवेल में गिरा क्या इस दौरान और भी बच्चे वहां पर मौजूद थे? संपर्क करने परिवार के लोग का कहना है कि करीब 11 बजे की घटना है, 11 बजे उनको पता लगा, पता लगने के बाद जब बच्चे के बोरवेल में सवार होने की जो है आवाज आ रही थी, उसके बाद
भी पता चला। प्रशासन को सचेत किया गया, प्रशासन के आला अधिकारी भी यहाँ मौके पर पहुंच गए, सारा आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। और ठीक है, बिल्कुल जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, 6 साल का मासूम है जो इस बोरवेल में गिरा है खेलते वक्त। हालांकि फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है, प्रशासन की पूरी टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। 6 साल का बच्चा खेलते हुए, एक बोरवेल था पुराना जो बंद, काफी समय से बंद है, लेकिन उसके पाइप नहीं बंद कराए गए थे, उसमें खेलते समय गिर गया है और उसके लिए प्रशासन को फोन किया गया, प्रशासन अभी आ रहा है। ये सरकारी बोरवेल है जिससे पानी की सप्लाई होती थी, ये बंद है, काफी दिन से खराब था, लेकिन इसके पाइप नहीं निकाले गए हैं। यहाँ एक छह